एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज जो हमने प्रोग्राम रखा है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में और जो हमारे सेंटर से जो अच्छे मार्क्स बच्चों ने प्राप्त किए हैं, आज हम आपसे उनकी मुलाकात करवाने वाले हैं। और जो नए बच्चे हैं जो क्लास 10 से 11 में आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और वो अपने एक नई शुरुआत को 11 और 12 को साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम से लेकर अपना बहुत अच्छे तरीके से उसको लैबोरेटरी अकॉर्डिंग विद कोरी अपने अकॉर्डिंग उसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। और जो बच्चे ट्वेल्थ से पास आउट हुए हैं वो आगे की अपनी डिग्री को ऐसे ही बहुत बेहतरीन तरीके से जैसे उन्होंने मार्क्स गेन किए हैं वो ईमानदारी से आगे बढ़ते चले जाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों के लिए जो 10th से 11th में आए हैं और जो 12th से आगे की डिग्री या अदर कोर्स वो करना चाहेंगे। सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जल्द के लिए। तो मैं अब उन बच्चों को बुलाना चाहूंगा जो हमारे इंस्टीट्यूट से 12th में पास आउट हैं और जो 10th से पास आउट हैं, जिन्होंने काफी अच्छे अच्छे मार्क्स परसेंटेज बनाई है, 90.8%, 86%, 74%, 82%, 12th क्लास और 10th क्लास के ये बच्चे हैं। काफी बच्चे आ नहीं पाए हैं आज और गर्मी के कारण कुछ वजह हो जाती है बच्चों के सामने तो नहीं आ पाए। इन्फॉर्मेशन दी गई थी बच्चों को बट वो नहीं आ पाए, तो मैं वन बाय वन बच्चों को उन बच्चों से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ जिन बच्चों ने इतनी कड़ी मेहनत से कोरोना काल के अंतर्गत मोबाइल से पढ़े और अपने एक आइडियल टीचर के अकॉर्डिंग एक कोचिंग लेकर उन्होंने इतनी अच्छी परसेंटेज बनाई अपनी। तो आप उनसे मोटिवेट होना, वो आपको अपनी रणनीति के बारे में बताएंगे कैसे कैसे उनकी पढ़ाई उन्होंने पढ़ाई की, कितने कितने घंटे वो पढ़े हैं और क्या क्या उन्होंने जो अपने रूल अपनाए हैं उनको आपको वो शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे स्टूडेंट थे जो जिनका नाम है आचल सैनी और इनका जो उत्तराखंड में है वो 25वीं रैंक है क्लास 12 साइंस PCM। तो ये अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे कि इन्होंने कैसे पढ़ाई की और क्या क्या इन्होंने अपने आगे की इनकी ड्रीम है और आपके लिए क्या क्या ये मोटिवेट आपको क्या क्या कर सकते हैं, कब कब आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और संडे को सैटरडे को आपको किस तरह की पढ़ाई करनी होगी बीच में, तो कब कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे रात के टाइम आपको नींद आती है तो उसकी वजह से आप घबरा जाते हो कि अब नींद आ रही है चलो हम सो जाते हैं, बट ये होता है कि हम कौन सा वो सब्जेक्ट अपने खुद पढ़े जिससे हमारी वो नींद थोड़ी सी दूर हो जाए, हम कौन कौन सी टेक्निक अपनाएं जिससे थोड़ा सा हम रिलैक्स फील होकर पढ़ाई के प्रति ज्यादा एक्टिव हो पाए। तो उन चीजों को ही बच्चा बताने वाला है आपसे। तो आचल सैनी, कैसे बेटा आपने क्या क्या अपने रूल अपनाए तो बच्चों के सामने आप शेयर किए। 0.8% आपका उत्तराखंड में 25वां स्थान है, तो बहुत खुशी की बात है भाई बच्चों, तालियां बजाओ। तो आप सुनो बच्चों, और जो ये श्रेय है वो मैं अपने पेरेंट्स और अपने सभी टीचर्स को देना चाहूंगी। मेरे ट्यूशन टीचर्स ने और मेरे स्कूल के मेरे सभी टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की, पेपर के लास्ट मोमेंट तक मेरी हेल्प की। और इतना तो नहीं पढ़ा मैंने कि 24 घंटे पढ़ी रहे, 5-6 घंटे लगातार पढ़ा, सब्जेक्ट को एक टाइम टेबल बना के रखा। ये नहीं कि टाइम टेबल हर रोज अलग दिन है और कोई कभी घर में कोई मेहमान आ जाता है इसलिए फॉलो नहीं हो पाता, तो मैंने ऐसे किया कि मैं सोने से पहले टाइम टेबल बना लेती थी अगले दिन का और फिर उसके बाद उस दिन को मैं फॉलो करती थी उस टाइम टेबल को, चाहे कितने भी देर हो जाए कभी तक रात भी हो जाए वो फॉलो करना होता था। इस तरह का मैं टाइम टेबल बनाया और मैंने फिजिक्स की एग्जाम एक्सपर्ट की बुक पढ़ी जो कि आपको यूट्यूब चैनल पे एम पॉइंट पे मिल जाएगी सर, वहाँ पे YouTube चैनल पे हम आपको सभी को ना बता देंगे कि बच्ची ने हमने कौन सी बुक इनको बताई है जिस बुक से इन बच्चों ने पढ़ाया पेपर को और इतने अच्छे आचल जो सैनी है उनकी 90.8% जैसे मैंने आप लोगों के आगे अभी जिक्र किया है, तो कौन सी बुक पढ़ी है इन्होंने, वो एग्जाम एक्सपर्ट से 100 में से 93 मार्क्स इनके। और जैसे ही बच्ची ने बताया है कि कैसे कि अगला डे जो आने वाला है उनके में इन्होंने पहले से ही अपनी स्ट्रेटजी अपनी रणनीति को अपना लिया है, तो आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है ना।
और बताइए बच्चों को कुछ मोटिवेट करना कि इनको कैसे किस टाइम मॉर्निंग टाइम में कब उठना है, क्या नाइट में सोते टाइम कौन सा इनको सब्जेक्ट पढ़ना है जिससे इनके थोड़ा सा अच्छा रहे इनके लिए। देखिए सबके आदत अलग अलग है, मैं तो रात में ज्यादा टाइम तक पढ़ती थी, दिन में तो सुबह के टाइम इतना नहीं उठ पाती थी, कभी 6 बजे तो कभी 5 बजे, फिर मैंने रात को करीबन 2 बजे तक पढ़ा, 2:30 हो जाते थे जैसे जैसे पेपर हुआ, और मैथ के पेपर में तो मैंने पूरी रात ही पढ़ी। और आपको बताना चाहूंगी कि बस सब मेहनत से पढ़िए, और जैसे हमारे सबके नंबर आए हैं ऐसे ही लाने की कोशिश करिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन, इससे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन होता है और हमारे टीचर्स का, हमारे स्कूल का, और जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ का। तो इसी के साथ मैं अपनी माँ को विराम देती हूँ, और थैंक यू सो मच मुझे हाँ बोलने का मौका दिया। जैसे आचर सनी ने आपको बताया, लड़की का हमारी बच्चे का जो रैंक है उत्तराखंड में वो 25वां स्थान है, तो लड़की ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और अब हम दूसरे बच्चे को बुलाना चाहेंगे, जो दूसरी एक लड़की उसी का नाम भी आचल सैनी ही है, तो आचल सैनी आइए बेटा, और ये आप साइड से हैं, लेकिन इस बच्चे के पास में 10th तक मैथ था, 10वीं तक इस क्लास में है, इस बच्चे ने 10वीं तक गणित को लिया था, फिर भी इसने इतना संघर्ष किया अपनी लाइफ में, और आरट में इस बच्ची ने 86% है ना, 86% देखो बहुत बड़ी बात होती है आर्ट साइड में, क्योंकि आर्ट साइड में देखो साइंस स्ट्रीम का जो बच्चा होता है उसके लिए डेरिवेशन और थ्योरी को आसान होता है याद करना, डेरिवेशन क्योंकि मैथमेटिकल होता है सब कुछ, बट जो आर्ट साइड का बच्चा होता है उसको देखो कितना सारा लिखना होता है और सोच समझ के लिखना होता है सब चीजें, है ना। तो ये जो आचल सैनी है इनकी जो परसेंटेज है 86 है, तो ये जो आर्ट वाले बच्चे हैं वो उनके लिए एक मोटिवेशन स्पीच देंगे और बताएंगे कि इसने बच्चे ने अपनी कड़ी मेहनत से 86% जो प्राप्त किए हैं मार्क्स उनके बारे में आपको बताएंगे। चलिए आचल जी। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ पहले तो कि मैं 8th, 9th और 10th तक अजीत सर की स्टूडेंट रही और मैंने इन्हीं के पास मैथ्स पढ़ाया है, और उसके बाद इन्होंने मुझे बोला है कि बेटा तेरा मैथ्स बहुत अच्छा है तू मैथ्स ले ले, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं पॉलिटिकल साइंस, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ना, तो मैंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रिपरेशन भी किया है, स्कूल में आज तक किसी के 90 से ऊपर मार्क्स नहीं आए थे और मेरे 91 मार्क्स आए हैं, तो रही थी और मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करी है, लेकिन मार्क्स भी अच्छे हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपना मेहनत से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो तो कामयाबी जरूर मिलेगी। जो अभी बच्ची आई थी आचल सैनी और ये लड़की आर्ट से, वो अभी आचल सैनी जो मैंने अभी आप से जो जिसने बात की थी आचल सैनी ने, जिसका जो रैंक थी 25वीं रैंक उत्तराखंड में, वो बच्ची साइंस स्ट्रीम से थी बट ये आर्ट से है। इस बच्ची ने राजकीय जो इंटर कॉलेज है इमली खेड़ा रुड़की में, तो इस बच्ची ने आर्ट से स्कूल को टॉप किया है, क्लास में टॉप किया है, मतलब स्कूल को ही टॉप किया है, और जो बच्ची वो थी उसने भी अपनी क्लास में स्कूल को टॉप किया है साइंस स्ट्रीम आचल सैनी में। ये बच्ची हमारी आर्ट से है, और अब इनको आप बताइए जो बच्चे हैं उनको कैसे आर्ट साइड से कैसे किस तरह से उनको अपनी पढ़ाई को एक नया मौका देना चाहिए, जैसे वो आगे भी चलकर समझ रहे हो ना, आगे चलकर कुछ नया करें, जो अब 11th 10th से 11th में जो आर्ट साइड से है ना, और जो 11th से फिर 12th में आए हैं अब की बात आर्ट से, उनको क्या बताना चाहोगे आप? बस मैं तो यही बोलना चाहती हूँ क्योंकि इसमें आर्ट साइड में क्या होता है कि इसमें प्रैक्टिकल वगैरह तो होता नहीं है, बस ज्योग्राफी में होता है एक प्रैक्टिकल, वरना इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो थ्योरी बेस्ड बहुत ज्यादा होता है, तो अपना लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होती है ताकि 3 घंटे में पूरा पेपर कर पाए, और उसमें जो 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन होता है उसमें बहुत ज्यादा लिखना होता है, तो इसलिए बस लिखने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और बस अच्छे से याद करना चाहिए, और अपना प्रिपरेशन पे तो उसमें याद तो इतना ज्यादा करना होता है कि इतना ज्यादा प्रैक्टिस लिखने की भी करनी होती है कि 3 घंटे में बंदा पूरा पेपर नहीं कर पाता, तो इसलिए बहुत ज्यादा तो लिखने पे ध्यान देना होता है इसमें। बिल्कुल सही बात है, चाहे साइंस स्ट्रीम से हो चाहे आर्ट स्ट्रीम से हो, आपको यदि पूरा पेपर कम्प्लीटली करके आना है एग्जाम बोर्ड में, तो आपको पहले से ही अपनी पढ़ाई को इतनी बार पढ़ चुके होने चाहिए उस टॉपिक को कि एग्जाम के टाइम आपका मौका ना, आपको इधर उधर देखने का मौका ना लगे,
ठीक है। और आर्ट से तो बच्ची ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि आर्ट एक से मेहनत आगे दिखाई दे रही है बच्ची की। 86% इस लड़की की बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आचल सैनी बेटा थैंक यू, और मैं सर आपको भी बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे 8th, 9th, 10th मुझे इन्होंने मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और मैं इनकी हमेशा हमेशा इनकी मतलब धन्यवाद बहुत ज्यादा करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। तो ये बच्चे हमारे अभी, और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए हैं कुछ वजह से, तो कुछ बच्चे हैं अब मैं बुलाना चाहूंगा। वंशिका, वंशिका बेटिया, तो ये बच्ची है हमारी, और इस बच्ची ने 10th में अपने एरिया को टॉप किया है परसेंटेज, तो मैं लिखी नहीं इस बच्ची की ना, तो इनके नंबर कितने नंबर बेटा आपके, कितने बताए 93%। देखो बच्ची के लिए तालियां बजाओ, 93%। ऐसे ही आप सभी बच्चे भी हमारे एरिया का नाम रोशन करते रहिए, देखो कितना अच्छा लगता है। और हम सब आपके लिए इस मौके का इंतजार करते हैं पूरे साल में, कि बच्चे अच्छी परसेंटेज लाएंगे और टीचर का नाम रोशन करेंगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। तो बेटा आप बताइए 10th में आपने कैसे कैसे मैथमेटिक्स को और कैसे आपने साइंस को और जो आप बाकी हिंदी इंग्लिश है, कैसे जैसे बच्चों को जो नए जो 9th से 10th में बच्चे हैं उनको मौका मिल सके इस तरह के 93% लाने का, तो आप बताइए। पहले आप बच्चों को नाम बताइए अपना। और सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल बनाना जरूरी है और उसे रेगुलरली फॉलो करना। मैंने अपना स्टार्टिंग में टाइम टेबल बना लिया था, उसके बाद मैं उसे रेगुलरली फॉलो करती गई, एंड लास्ट में जो भी मेरे सब्जेक्ट पे थे मैंने उनको ज़्यादा टाइम दिया। और मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पर जाती थी, उससे माइंड फ्रेश रहता है बहुत ज़्यादा। ये सही बात है, आप मॉर्निंग वॉक पे जाओगे तो देखो आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका माइंड बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ने में आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा। तो बच्चे के लिए तालियां बजाओ। जैसे बच्चे ने आपको बताया है कि आपको भी देखो जो बच्चे 9th से अगली बार 10th में आए हैं, तो जैसे वंशिका बच्ची ने आपको बताया है कि ऐसे ऐसे आपको टाइम को मैनेजमेंट करके चलना है, तो आप भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैंने आपको एक बार पहले कल बच्चों को अपने जो ट्यूशन के वाले बच्चे हैं उनको मैंने बताया था कि जो मुकुल सिसवान है, जो टेलीगढ़ वाले के बच्चे हैं, तो टेलीगढ़ वाले का एक बच्चा है मुकुल सिसवान, उसकी 10th में 99% है। मैं पूरा ग्राफ पूरा आपको दिखा देता हूँ, ये 2011-12 से लेकर 22 तक का पूरा ग्राफ आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, तो वो पूरा ग्राफ मैंने आपको दिखाया, तो उसमें देख सकते हो आप ग्राफ में कि बच्चों की कितनी परसेंटेज हाई लेवल की जा रही है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा तत्पर है, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगे हैं। तो आप एक अच्छी नॉलेज लीजिए स्कूल में और अपने ट्यूशन टीचर जो भी आपको गाइड करने वाले हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे को गाइड करने वाले टीचर कौन से हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो एक लड़की है यहाँ से हरिद्वार से, जिसका नाम दिव्या राजपूत है, तो उस बच्ची के 97% क्लास 12th में, ठीक है। तो आप भी इतनी कड़ी मेहनत कीजिए जिससे आप भी एरिया का नाम और उत्तराखंड राज्य को टॉप कर पाओ। तो मेरी बहुत ज्यादा आपके लिए दुआ है, शुभकामनाएं कि सभी बच्चे जो हमारे पास में जो 12th में है वो सभी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पास। अब मैं बुलाना चाहूंगा अनंत को, तो अनंत बेटा आइए। तो ये लड़का अनंत शर्मा है, और अनंत शर्मा ने भी बहुत खूब मेहनत की क्लास 10th में, और कुछ वजह से इस बच्चे का ना बहुत अच्छे मार्क्स आने थे, बट इसको कुछ बीमारी या कुछ इसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा कम मार्क्स है, बट बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन इतनी कम सिर्फ और सिर्फ इसने बच्चे ने 2 या 2.5 महीने में भी हमारे पास ट्यूशन करके इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। और मेरा तो इतना बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया और खेल लिया, और पता नहीं इतने नंबर आ जाएंगे, भैया ने अच्छा गाइड किया मुझको, तो मैं यहाँ तक पहुँचा। थैंक यू।
374 प्लस हैं जो 10th क्लास से हैं, बट उसकी थोड़ी कमजोरी और तो ये बच्चा है जो हमारा आकाश, ये आर्ट स्ट्रीम से है और इस बच्चे ने 410 मार्क्स प्राप्त किए 500 में से। और कैसे इस बच्चे ने आर्ट से इतनी मुसीबतों को झेलकर, क्योंकि ये बच्चा पहले से 10th से ही ये साइंस से था, जैसे वाचल सहनी थी जो भी मैंने आपको इससे पहले जो लड़की आई हुई थी आर्ट में आचल सहनी, तो सेम सिचुएशन इस बच्चे के सामने भी ऐसे क्रिएट हुई थी। तो इसने 11th में भी बात नहीं कर रही, 11th में भी इसने 11th और 12th में इसने आर्ट्स के साथ थी। और ये आपको जो आर्ट वाले बच्चे हों ध्यान से सुनना कैसे कैसे इसने अपनी रणनीति को, अपनी पढ़ाई को एक बहुत मुकम्मल रूप दिया, तो बताएंगे आपको। धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं नाम आकाश, बेटा कवरेज से हूँ। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस बार 6 जून 2022 को लखनऊ बोर्ड का रिजल्ट आया है, तो उसमें मुझे आर्ट स्ट्रीम में 12th क्लास में 410 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। मैं राजकीय इंटर कॉलेज जिम लिखेड़ा रोडगी में पढ़ता हूँ। और दोस्तों वहाँ के जो टीचर्स है और हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनका जो चैनल भी है, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और अच्छी बातें बताई, जिससे कि हमारे पढ़ाई में बेनिफिट हो सके। और एंड टाइम तक हमें अच्छे से मोटिवेट किया कि कैसे आपको स्टडी करनी है और कैसे आपको भी टाइम का सदुपयोग करना है। दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि हमारा आने वाले समय में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। दोस्तों ये वैसे हिसाब से यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी पढ़ाई को जब ज्यादा भरपूर समय दें और आने वाले समय में अपने और अपने गांव का और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। दोस्तों हमें पढ़ाई का साथ खेलकूद और योगा वगैरह भी अपना भरपूर टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि हम केवल पढ़ रहे हैं या केवल स्टडी कर रहे हैं और खेल ही रहे हैं, हमें हर चीज को रेगुलर टाइम देकर और रूटीन से करना चाहिए। दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसे सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यह नहीं कि हमने टाइम टेबल बना लिया और हमने उसे मतलब कि आज से फॉलो करेंगे। दोस्तों टाइम टेबल का बनाने का मतलब यह है कि हम एक, दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई ये नहीं कि हम भाई पढ़ रहे हैं और मतलब पढ़ते किताब हमारे सामने है और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर और हम माइंड कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई इसका मतलब पढ़ाई हमारी बिल्कुल ईमानदारी से होनी चाहिए। यह नहीं कि मुझे ज्यादा मार्क्स लाने हैं उससे ज्यादा मार्क्स लाने हैं, हमारा कॉन्फिडेंस खुद से होना चाहिए क्योंकि हमें हमारे सपने और हमारे मम्मी पापा सपने पूरे करने हैं। दूसरे सपने सभी के अलग होते हैं और सबके सपने अलग हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने किसी के दबाव में कोई सब्जेक्ट नहीं सुनना चाहिए। बहुत से बोलते हैं कि भाई आर्ट ले लें या साइंस ले लें, जिस सब्जेक्ट का आपका इंटरेस्ट हो उसी सब्जेक्ट को चुने, किसी का फोर्स में न आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बारे में विराम देता हूँ और आपसे भी यही होप करता हूँ कि आप सभी पढ़ाई भरपूर करें और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। थैंक यू। आकाश ने बहुत अच्छा बच्चों को मोटिवेट किया है और अब जो बच्चे काफी बच्चे हैं जो इंस्टीट्यूट में हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं बट वो किस वजह से नहीं आ पाए, कॉन्टेक्ट तो हमने किया था। तो मीन अच्छी एजुकेशन के लिए देखो बच्चा 10th तक तो पढ़ लेता है लेकिन 10th के बाद जैसे ही बच्चा 11th में आ जाता है, तो जैसे अभी आकाश बच्चे ने हमारे बताया कि हमको किसी के दबाव में आकर सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, जो जिसमें हमारी रुचि है वो सब्जेक्ट को हमको चूज करना चाहिए। यदि हमारे पेरेंट्स बोलें कि तुमसे ये नहीं आता, लेकिन मैंने ऐसे बहुत बच्चे पढ़ाए हैं जिन्होंने 10th पास किए आर्ट से, होम साइंस से और फिर 10th के बाद उन्होंने पीसीबी से बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स 12th 11th में गेन किए हैं। जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं उन बच्चों के लिए मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, उनके लिए बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। लेकिन 10th से 11th में आने के बाद आपका जो मन है, आप जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हो उस स्ट्रीम में आप जाइए और एक नया 12th में तहलका मचाइए अपने इलाके में, अपने राज्य में, और अपने पेरेंट्स का नाम, अपने टीचर का नाम यानी स्कूल का अपना नाम रोशन कीजिए। और साथ ही एक, अब मैं आपको एक बात जो बताने वाला हूँ, जो 10th से 11th में बच्चे आए और जो 12th वाले बच्चे हैं, क्या हमारे साइड में, क्या हमारे एरिया में यहाँ पर क्या व्यावसायिक शिक्षा हम कर सकते हैं क्या? मान लो एक बच्चा ऐसा है जिसने 12th पास कर ली है बट उसके आगे कोई ऐसा रोजगार नहीं है जिससे वो आगे अपने रोजगार को चलाकर कुछ काम कर सके। बहुत सारी चीजें होती हैं, यदि बच्चा यदि साइंस स्ट्रीम से है, यदि 10th के बाद उसको
एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करे जो व्यवसाय से रिलेटेड हो, जिससे वो 12th के बाद दो पैसे कमाकर अपने घर का खर्चा चला पाए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें अलेविंद, यदि बच्चा अलेविंद साइंस स्ट्रीम से है तो अब की बार हमने जो अलेविंद वाले बच्चे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मैथमेटिक्स से है, मेनली तो फिजिक्स के हम सर हैं और फिजिक्स पढ़ाते आए हैं, और फिजिक्स में अब की बार हमने पूरा लेबोरेटरी वाला सिस्टम किया है तैयार, जिससे बच्चे थ्योरी के साथ साथ अपना एक लैब का काम भी साथ साथ में करते रहे। उससे क्या होगा, उससे उनका जो माइंड का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और वो थ्योरी में और प्लस प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते जाएंगे। यानी यदि उन बच्चों से प्रैक्टिकल आता है उस चीज का, ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल आता है या मीटर सेतु का प्रैक्टिकल आता है, तो वो बच्चा 12th में आराम से यदि वो भूल भी जाए कहीं पर, तो बच्चा उन चीजों को थ्योरी में एग्जाम बोर्ड एग्जाम में वो आराम से लिख सकता है। तो इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए आपको मैंने सभी बच्चों से मिलवाया है। तो ये जो हमारे स्टूडेंट थे, काफी स्टूडेंट नहीं आ पाए हैं आज कुछ वजह से, क्योंकि गर्मी अब दोपहर का टाइम है, मैंने आज प्रोग्राम जो रखा हुआ था ये, तो कुछ के पेरेंट्स आपको पता है काफी दूर दूर से बच्चे आते हैं और सुविधा भी नहीं है, साइकिल से आते हैं बच्चे क्योंकि सुबह ट्यूशन पढ़कर गए हैं, फिर उनको आने में तकलीफ होती है। तो सभी बच्चे हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सेंटर के हैं। देखो ये इस तरह का जो मोमेंट होता है ना, बहुत अच्छा मोमेंट होता है, भले ही हम कितना भी बड़ा प्रोग्राम कर लेना उसमें हमको इतना मजा नहीं आता, लेकिन अपने अपने जो दोस्त होते हैं ना उनके साथ जो हम पार्टी वगैरह वगैरह जो भी चीजें करते हैं उनमें बहुत शिद्दत के साथ हमें वो बहुत चीजें हासिल होती है। या मक्खी मेरा साथ ही नहीं छोड़ती, इसमें ना कुछ टोन्स भी डाल। ये जो बच्चे हमारे बहुत ज्यादा होनहार बच्चे हैं और बहुत ज्यादा हमको सपोर्ट करते भी आए हुए हैं हमारे इंस्टीट्यूट को और चैनल को भी, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं के अल्फाज में लिखेंगी। Okay,